जाता है कि यार आप टाइम के साथ मैच्योर होते हो। मैच्योरिटी कुछ नहीं है यार, मैच्योरिटी इज अनदर वर्ड फॉर हाउ मेनी मिजरीज यू हैव स्वैलोड। से बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो उस दिन मैंने बड़ा सोचा कि आज हॉल में तालियां बजेंगी सबकी। मैंने वो सीन दिमाग में इमेजिन कर लिया। चाय वाला 2.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। समय आ गया अपना जुनून जगाने का। अब समय आ गया है, इस बार नहीं हुआ इस बार होगा। उस काम के पीछे आपका मकसद क्या है? अपन वो थोड़ी ना कि हार मान के भाग जाएंगे। आपका मोटिवेशन क्या है? आपकी इंस्पिरेशन क्या? हार मान के तो ना भागेंगे, अपन गिव अप नहीं कर सकते है ना। और इस दौरान अगर आप कोई चीज ऐसे देखते भी हो जहाँ पे एक प्रति दूसरे को कुछ बोल रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस मत हो, ये वॉर टाइम है। एक पेड़ भी होता है ना जो 50 साल या 100 साल पुराना होता है, वो भी अपनी पत्तियां झाड़ता है और नई पत्तियां लेके आता है। ड्रीम बिग एंड देन मल्टीप्लाई इट विद 10। यार ये हमारा डीपेस्ट डिजायर है, जो फ्लो है उसको बनाए रखना। $5.50 कुछ नहीं होता। वेस्टर्न में आप जाओगे यार, वहां पे आप देखोगे उधर एक लंच नहीं मिलता। लंच मिल जाए तो यूं बोलते हैं यार आज तो सस्ते में काम निकल गया। एक रास्ता होता है कि उस टाइम मैं गिव अप करके दुनिया भर की बातें। अपने आसपास बहुत सारे लोगों को, अपने फ्रेंड्स को देखा है, अपना क्यों बताऊंगी मैं आपको। बट ये अपने आप में बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट काम है, चैलेंजिंग चीज है। लोगों को लगता है कि हम एक साथ मैनेज कर लेंगे। बाकी मेरा तो सजेशन यही रहेगा, अगर आप किसी भी तैयारी में ऐसी चीज में लगे हुए हैं तो अगर पॉसिबल हो कोई नया रिश्ता जोड़ना तो अवॉइड ही करना चाहिए कुछ टाइम तक, जब तक आपकी तैयारी नहीं हो जाती। क्योंकि आपको पता नहीं लगता आपकी डायरेक्शन कहीं और चेंज हो जाती है। इंसान को लगता है कि वो बैलेंस कर लेगा, बट कई बार डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार एक्सट्रीम्स में पहुंच जाता है इंसान, क्योंकि इमोशंस भगाते हैं आपको। और बाकी मुझे लगता है पॉसिबल है, लेकिन आप में गट्स होने चाहिए फिर उतने, कि आप अगर कोई भी एक चीज़ खराब होती है तो आप अपने करियर को क्या कहें, सेक्रीफाइस नहीं होने देंगे। चाहे आप रोइए मरिए कुछ करिए, लेकिन जो आपकी प्रायोरिटी है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो आपका काम हो, वो इधर से उधर नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने बड़े आशिक या जो भी बन गए हैं कि अब आप बाकी ठीक है वो नहीं तो कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया में मतलब खाने को रोटी चाहिए होगी आपको और